रेडमी नोट 9 प्रो 5G काफ़ी बड़ा नाम है, जितना बड़ा नाम है उतनी ही ज़्यादा खूबियाँ हैं इस फ़ोन में और उतना ही तगड़ा प्राइस है इस फ़ोन का। अब Xiaomi ने लॉन्च किए थे 3 फ़ोन चाइना में रिसेंटली, जो थे Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G एंड Redmi Note 9 Pro 5G। अब ये तीनों ही फ़ोन एक्सपेक्टेड थे कि इंडिया में रीब्रांड होकर आएंगे, एंड जो Redmi Note 9 4G है वो ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है, दिसंबर 17 को लॉन्च होगा इंडिया में। Xiaomi ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप कार्ड में देख सकते हो। उसका नाम इंडिया के लिए रखा गया है Redmi 9 Power। पूरी वीडियो बनाई है, क्या स्पेक्स हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे हम बात करेंगे Redmi Note 9 Pro 5G एंड इसका नाम रखा गया इंडिया के लिए MI 10i। नाम में कुछ नहीं रखा है, स्पेक्स जब आप सुनोगे और जो प्राइस इसका रखा गया है इंडिया के लिए या जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो अगर आप फ़ोन लेने का सोच रहे हो डेफिनेटली वेट करो, मैं बोलूँगा अभी सही टाइम नहीं है फ़ोन लेने का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। सबसे पहले अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट, तो अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। देन मैं बात करता हूँ अगर कैमरा सेटअप की, जो रियर कैमरा सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भाई, अमेजिंग है। 108 मेगापिक्सल का ISOCELL HM2 सेंसर यहाँ पे आपको मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है इस प्राइस पॉइंट पे। देन 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड देन 2 मेगापिक्सल के दो क्वाइट यूजलेस डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो सेंसर, वो उनसे मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट 108 मेगापिक्सल का जो ये प्राइमरी सेंसर है ये बहुत ही तगड़ी डील होने वाली है इस प्राइस पॉइंट पे। बात करें अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो यहाँ पे हमको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, जिससे आप अच्छी खासी फोटो ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन बात करें बैटरी की तो काफ़ी अनयूजुअल सा नंबर है, 4820 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, जिसको आप चार्ज कर पाओगे 33 वॉट के फास्ट चार्जर से। नाउ द मेन थिंग जो हमारा चिपसेट होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 750G, स्नैपड्रैगन का 750G यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सेम प्रोसेसर है जो आपको अभी रिसेंटली मोटो जी 5G में देखने को मिला था, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, कैमरा मॉड्यूल भी बहुत तगड़ा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। एंड अब आप एक बार प्राइस गेस करो, अपने एंड पे प्राइस गेस करो, मैं आपको अभी बताऊंगा, बट थोड़ा सा सोच के, थोड़ी सी वीडियो पॉज करके एक बार गेस करके कमेंट कर दो बिना सोचे समझे कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ क्या प्राइस होना चाहिए इस फ़ोन का। वैसे आप कुछ भी नहीं करने वाले, ना आप पॉज करोगे और ना ही आप गेस करोगे, मुझे पता है, बट मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इस फोन का वो है समवेयर अराउंड 17,000 इंडियन रुपीज। बोलो भाई अच्छा प्राइस है? इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 108 मेगापिक्सल का ISOCELL HM2 सेंसर, 750G जो कि एक 5G कंपेटेबल चिपसेट है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एंड 17,000 इंडियन रुपीज में मिल रही हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी डील है। अगर आप एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे थे विद इन 20,000 इंडियन रुपीज़, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एंड ओवरऑल अगर मैं एक सजेशन दूं तो अभी आप फ़ोन मत लो, बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, दिसंबर में भी आएंगे, जनवरी में भी आएंगे, एंड मैं चाहता हूँ आपके जो पैसे हैं वो सही जगह लगें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेक्स मिलेंगी, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में मिलेंगी, एंड होपफुली आपको 5G कंपेटेबल फ़ोन्स ही मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 5G फ़ोन्स ला रही हैं, एंड सेम प्राइस पे जहाँ पे आपको 4G फ़ोन्स मिलते थे आपको अब 5G फ़ोन्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे 5G इंडिया में आया नहीं है, 2021 के मिड में जियो ने बोला है कि वो आ रहे हैं, बट उसके बाद भी क्या हमें पता ही है कि कितना अच्छा चलेगा, 4G तो चलता नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट अगर आपको उस प्राइस पॉइंट पे 5G मिल रहा है, एक फ्री अपग्रेड मिल रहा है, तो क्या बुराई है यार, थोड़ा वेट कर लो, फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, तो बस मैं यही कहूँगा। बाकी यार आपकी मर्जी है, अगर आपको फ़ोन लेना है, इट्स वेरी अर्जेंट, अभी आपको फ़ोन चाहिए तो आप ले सकते हो, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा वेट कर लो। बस इतना था इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।